इस बीच बड़ी खबर आ रही है चाइनीज लोन ऐप के जानलेवा शिकंजे से जुड़ी हुई, जिसमें उलझकर दिल्ली के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले हरीश नाम के इस लड़के ने महज 3,629 रुपए का लोन लिया था। और ये घटना तो 25 नवंबर की है, लेकिन जब न्यूज 18 पर चीनी लोन ऐप की खबरें दिखाई गई तो पुलिस ने भी मृतक हरीश के मोबाइल को खंगाला, जिससे पता चला कि हरीश भी चीनी लोन ऐप के मकर जाल का शिकार हुआ है। उसके परिवार का आरोप है कि लोन देने वाली चीनी ऐप कंपनी ने उसे इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। यहां तक कि उसके परिवार को हरीश के साथ के लिए लिए गए लोन के डिटेल के स्क्रीनशॉट भी भेजकर अपमानित किया जा रहा था। खुदकुशी के शिकार हरीश की बहन का कहना है कि उसके साथ साथ कई दूसरे रिश्तेदारों के पास भी भाई के लोन लेने के बारे में फोन आ रहे थे, उसी से परेशान होकर हरीश ने जान दे दी। हमें तो पता ही नहीं था, भाई के पास कॉल आए थे कि नहीं, लेकिन 25 नवंबर को मेरे पास कॉल आए थे, मेरे को 25 नवंबर को ही पता चला था। लेकिन आपके भाई ने लोन लिया है, ऐसे सबके पास ही आए थे, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सभी के पास कॉल कर रहे थे। इस बीच देखिए, दो सहयोगी साथ हैं, दिल्ली से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं और मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दीपक आपके साथ शायद वो विक्टिम के परिवार वाले हैं जो अपना दर्द बयां करना चाह रहे हैं, जरा बात कीजिए दीपक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए मेरे साथ हरीश का पूरा परिवार है और मैं बात करूंगा उस बहन से, क्योंकि जब हरीश ने जिसने ये कदम उठाया वो तारीख थी 25 नवंबर, लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि किस तरह से बात करनी है, कौन लोगों क्या मकसद रहा था, क्या वजह रही थी हरीश की। अब उसकी बहन से बात करेंगे, क्योंकि हरीश की बहन को सबसे पहले कॉल्स आया था, और क्या कॉल्स आए थे और कब आए थे आप पूरा बताइए। मेरे पास 25 नवंबर को मॉर्निंग में कॉल आया था 10:30 बजे के समथिंग, तो उन्होंने बोला मेरे को कि आप हरीश को जानते हो, तो मैंने बोला हाँ जानते हो, मेरा भाई है। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने लोन लिया है और अभी तक उनका 3,000 रुपये देने उनको आज की डेट में, और लेकिन उन्होंने अभी तक दिए भी नहीं है। तो फिर मैंने बोला, फिर मेरे को रुको मैं अपने भाई से पूछती हूँ, तो फिर मैं राहुल हरीश के पास कॉल करती हूँ कि हरीश तुमने कोई लोन लिया है, तो कहता कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया है। तो फिर उनका कॉल मेरे पास बार बार आता है, फिर मैंने उनको बोला मैं कि मेरे भाई ने कोई लोन वोन नहीं लिया है, ठीक है, तो फिर मैं कट कर देती हूँ कॉल। फिर उसके बाद फिर आता है, उनके बार बार कॉल आते हैं मेरे पास, कहते कि मैडम आपने बात की क्या बोलते अपने भाई से कि लोन वोन के बारे में, तो मैंने कहा मेरे भाई ने कोई लोन नहीं लिया है, मैंने बार बार यही बोला। फिर लास्ट में आके मैंने उसको बोला कि जिसने लोन लिया है उसके पास ही कॉल करो, मेरे पास कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने उनको गुस्से में आके बोल दिया। मतलब आपको भी वो परेशान कर रहे थे, यानी आपको भी हरास कर रहे थे भाई? हाँ, वो मेरे पास बार बार कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आप हरीश से बात करवा सकते हो मेरी, वो बोल रहे थे कि आपने बोला अपने भाई को, ऐसे बोल रहे थे वो मेरे को। उसी दिन ये किस दिन का वाक्या था और उस दिन क्या हरीश जीवित था? हाँ, उस मॉर्निंग में जब सुबह कॉल आई थी, जब वो था यहाँ पे, मतलब वो गया हुआ था अपने काम पे, फिर उसके बाद वो 11 बजे घर पे आ जाता है, फिर मैं उससे बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे कॉल आ रहे, तो घर पे आके हमारी बात होती है, तो कह रहा हाँ मैं अभी जा रहा हूँ बैंक में, मेरा दोस्त आ रहा है, मैं बैंक में जा रहा हूँ कि मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे हो चुका है। मैं कहा ठीक है, फिर वो कुछ नहीं बोलता है, फिर वो थोड़ी देर बाहर बैठता है, फिर आके इस कमरे में आ जाता है, फिर उसके बाद पता नहीं कब, उसी दिन जो है उसने। हाँ, उसी दिन। ये क्या कभी जिक्र किया था कि पैसों की दिक्कत है उसे, क्योंकि नौकरी भी करता था ये, ऐसा? नहीं, उसने कभी नहीं ऐसा कभी बोला भी नहीं, नहीं हमें कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो टेंशन में या परेशान है या ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं था। क्योंकि जिस चाइनीज लोन ऐप के जरिए लोग लोन ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो परिवार में जिक्र कभी नहीं किया उसने, कभी ऐसा शो भी नहीं किया? नहीं नहीं, कभी नहीं किया, कभी शो हुआ ही नहीं ऐसा कि ऐसा है उसने लोन लिया भी है या नहीं लिया, ऐसा मतलब नॉर्मल था सब। कभी आपसे जिक्र किया आप माँ हैं कि लोन की दिक्कत है, मैं लोन ले रहा हूँ? नहीं जी, मेरे से कभी नहीं कही, और नहीं उनका चेहरा भी उदास नहीं रहा था कभी भी, हंसता खिलता आता था, हंसता खिलता जाता था वो। 24 नवंबर को गुड़गांव तक हमारे साथ भी गया है काम पे, हम काम पे जाते हैं, गुड़गांव तक साथ गया, छोड़ के भी आया है वो, बस वो आकर वापस है, बस इतना कहा था मेरे से, अब तो घर की मम्मी घर की चिंता मत करना, घर को मैं संभाल लूँगा, अपना उतना करना जितना करोगी उतना लेना वहाँ खर्चा, ये बोल रहा था उसने मेरे से।
अर्पिता देखिए, 25 नवंबर का ये वाकया है जिस दिन हरीश ने खुदकुशी की थी, लेकिन परिवार को तब ये नहीं पता था कि खुदकुशी की वजह जो है वो चाइनीज लोन ऐप है। कुछ दिन बाद जब लगातार हम 5 दिन से इस खबर को चला रहे हैं, पूरे देश में दुनिया में लोग देख रहे थे, जिसके बाद परिवार को पता चला कि इस तरह का वाकया जो है न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है, तो शायद उनके बेटे के साथ भी, क्योंकि लोन के जरिए ये जानकारी मिली थी कि लोन, तब तक आप लोगों को पता नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता था। 25 नवंबर को ही पता चला कि कॉल आया है मेरे पास, फिर उसके बाद पता चला कि सबके पास कॉल आया है रिश्तेदार में। अच्छा, फिर उसके बाद शाम को पता चला कि इसके पास भी कॉल आया, सबके पास कॉल आया फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में। हाँ, सब में। क्या बोल रहे थे रिश्तेदार, क्या किस तरह का फोन आया? उनके पास भी कॉल आए थे कि हरीश ने लोन लिया है, वो दे नहीं रहा है। ठीक है दीपा, एक बार फिर से देखिए, मैं आपको रुक करूंगी। और ये परिवार है जो बता रहा है किस तरीके की स्थितियां रही होंगी, आभास भी इनको नहीं हुआ कि इनका बेटा इतना परेशान चल रहा होगा। दिल्ली में भी चीनी लोन की वजह से एक आदमी की खुदकुशी के बाद बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। लोकल गवर्नमेंट्स को भी इस पे एक्टिवली चिंता करनी चाहिए और भारत सरकार को भी इस पे एक सख्त कदम लेना चाहिए, सख्त रवैया करना चाहिए। और जिस प्रकार के भी इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें जहाँ जहाँ भी इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। कई केसेस देखिए अभिषेक मुंबई में भी सामने आए, अब पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या कोई केस दर्ज हुआ है या लोग अभी किस तरीके से परेशान है, अब तो खुलकर लोग सामने आ रहे होंगे। देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खास करके ऐसे ही एक पीड़ित परिवार हमारे साथ, अर्पिता, जो इस पूरे मामले में पीड़ित रहा है और इनके भाई ने भी आत्महत्या कर ली। आप बताइए कि किस तरीके से परेशान किया जाता रहा लोन लेने के बाद और कैसे परिवार को कॉल्स आते रहे? आपको लोन देते हैं लोग 7 से 10 दिन के लिए, लेकिन 4th दिन से ही आपको फ़ोन आना चालू हो जाते हैं, आपको हरेस करते हैं और उनका कॉल सेंटर में आता जो कलेक्शन गुंज हैं, जो गुंडे हैं, उनके यहाँ बकेट बनाते हैं वो लोग, जैसे S1, S2, S3। S1 बकेट होता है जहाँ पे आपका ड्यू डेट जो है वो 3 दिन दूर है, S2 बकेट होती है जहाँ पे आपका ड्यू डेट आज है, और S3 बकेट होती है जहाँ पे आपका ड्यू डेट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वो हिसाब से उनका होता है हरेसमेंट। तो स्टार्टिंग में 4th दिन आपको थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे, सर दे दो टाइम पे, आपका टाइम पे लोन आ रहा है या आ रहा है, फिर आपका जब लोन ड्यू हो जाएगा तब आपको चालू होगा गाली देना, आपको अब्यूज़ करेंगे, आपको किडनैप का धमकी देंगे, फैमिली के अब्यूज़ करेंगे, आपको आपके फ्रेंड्स को फैमिली को मैसेज डालेंगे, ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, वहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और मैसेज डालते हैं कि ये फ्रॉड है, ये चीटर है, और जो गाली देते हैं वो लोग गाली सुनने लायक नहीं होती है साहब, वो गाली जो होती है वो कोई भी बंदा नहीं रिश्ता। लेकिन उसके बाद आपने इस पूरे मामले में FIR रजिस्टर कराई, आपने किस तरीके से पुलिस तक अप्रोच किया और पुलिस ने अब इस मामले में क्या एक्शन लेना शुरू किया? मैंने Day 1 से FIR के लिए रिक्वेस्ट किया था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने अभी 2 दिन पहले FIR रजिस्टर की है, वो भी आपके न्यूज़ मीडिया में आने के बाद, जब TV न्यूज़ पे मेरा इंटरव्यू आया था परसों या 2 दिन पहले, उसके बाद उन्होंने FIR फाइल की है। तब तक FIR फाइल नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे हम लोग का NIC चालू, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, FIR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना FIR कैसे काम हो सकता है? एक आखिरी सवाल ये है कि आप किस तरीके से डिमांड करते हैं सरकार से या जो भी FIR करने के बाद पुलिस से? मेरा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही डिमांड है कि ये धंधा बंद करो, ये ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा।